बिहार में कानून व्यवस्था की बिगड़ती हालात को लेकर बीजेपी विधायक ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार ने सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है। विधायक ने सीतामढ़ी के एसपी को बदलने की मांग की है। बीजेपी विधायक ने चिट्ठी में लिखा है कि सीतामढ़ी में अपराध की पराकाष्ठा हो चुकी है, क्षेत्र की जनता दहशत में है, जिले में किसी युवा और तेज तर्रार पुलिस कप्तान की जरूरत है। विधायक ने नेपाल से सटे सभी जिलों में तेज तर्रार एसपी की तैनाती की मांग की है। बीजेपी विधायक की चिट्ठी पर अब बिहार में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। जेडीयू ने बीजेपी विधायक की चिट्ठी पर आपत्ति जताई है। इस पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि हम लोग पहले ही सवाल उठाते थे तो ये कहा जाता था कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रहा है, अब सीएम के सहयोगी सवाल उठा रहे हैं, अब तो जवाब देना ही पड़ेगा। नीतीश सरकार के मंत्री और बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने भी सवालों को जायज ठहराया है। तो मैं तो मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, आपके माध्यम से भी, अपने पत्र के माध्यम से भी किया हूं, कि नेपाल से सटे सभी सीमावर्ती जिलों में चुस्त दुरुस्त आईपीएस, चाहे बिहार के कैडर के हो, चाहे साउथ के हो, जहां कहीं के भी हो, परंतु चुस्त दुरुस्त कैडर आईपीएस का वहां पर नियुक्ति हो, ताकि प्रशासन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, आम जनता दहशत में नहीं रहे, हमारा सुशासन जैसे बरकरार था वैसे बरकरार रहे। कुछ खराब तो बात नहीं लिखी, अगर कोई एमएलए अपने क्षेत्र के हिसाब से अगर कोई पत्र मुख्यमंत्री जी को देते हैं, अधिकारियों को देते हैं, तो अच्छी बात है, उस पर संज्ञान लिया जाएगा, सरकार संज्ञान लेगी और जो आवश्यक कदम होंगे उठाए जाएंगे। अगर कहीं कोई कमी दिखाई पड़ती है, अगर कहीं कोई गलती दिखाई पड़ती है, तो उसके लिए वो जो है वो बोलने के लिए मतलब उनके विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा इस बात को कहते हैं कि अगर कहीं भी कोई भी त्रुटि है तो उसको आप जरूर अपने बताने का काम करें। तो लोग कहता था कि ये विरोधी दल के लोग हैं, जब उनके महा गठबंधन के लोग ही इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगाइए कि बिहार की स्थिति क्या है। बिहार की स्थिति बहुत भयावह है, हम आप सारे लोग सहमे हुए हैं, और कब किसकी हत्या हो जाएगी, कब कोई किसी का अपहरण कर लेगा, कोई नहीं जानता है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, अभी तक तो उसने विपक्ष सवाल उठाता था कि कानून व्यवस्था किस तरीके से खराब है राज्य में, और अब किस तरीके से खुद सरकार के सहयोगी बीजेपी ने यहाँ पर ये कह दिया है कि देखिए कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। विपक्ष को तो मौका मिल गया है बैठे बिठाए। देखिए जरूर, और विपक्ष ऐसे ही मौकों की तलाश में रहता है। सबसे खास बात यह है कि मिथिलेश कुमार का अगर आप पत्र देखेंगी तो उसमें अपराध की पराकाष्ठा शब्द का इस्तेमाल किया है, जो अपने आप में बहुत बड़ा कह सकते हैं, जिसके मायने निकलते हैं। हालांकि लेटर में ये कोशिश की गई है कि चीज़ों को संयमित तरीके से रखा जाए, चूंकि बीजेपी अभी गठबंधन में है जेडीयू के साथ, ऐसे में चीज़ों को संयमित तरीके से पेश करने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन एक दो शब्दों का जो इस्तेमाल हुआ है, जनता दहशत में है, अपराध की पराकाष्ठा, उससे पता चलता है कि जो बीजेपी के विधायक हैं वो कहीं ना कहीं खुद परेशान हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा खुद भी महसूस हो रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, और ऐसे में अगर उन्हें लगता है कि जिले के एसपी के बदलने से सब चीज़ ठीक हो जाएगा, तो इसलिए वो जिले के एसपी को बदलने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, आप इससे पीछे भी जाएंगी, पीछे के बयानों को भी देखेंगी, तो बीजेपी के एमएलसी संजय पासवान का स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने भी चिंता व्यक्त की थी कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, जिस तरह से सीतामढ़ी में दरोगा की हत्या कर दी गई, तो उसके बाद संजय पासवान ने भी सवाल उठाए थे कि ये बात डीजीपी को सोचना पड़ेगा, गृह सचिव को सोचना पड़ेगा। तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी का एक बड़ा कुनबा, जो विधायक जनप्रतिनिधि कहें, वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बेहद चिंतित। और जिस तरीके से लेटर लिखा गया है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बार एक सवाल उठते रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर बिहार में, अब इस लेटर के बाद, इस खत के बाद, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जेडीयू को ही तो जिम्मेदार ठहरा रही है ना बीजेपी, इनडायरेक्टली हम कह लें, कानून व्यवस्था के लिए।
ठीक है, स्वाभाविक तौर पर गृह विभाग जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है, और जब आप कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं तो सीधे सवाल नीतीश कुमार तक जाता है, और यही वजह है कि बीजेपी के मंत्री नीरज बबलू ने भी कहा है कि बीजेपी के विधायक ने जो सवाल उठाया है उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि उनके क्षेत्र में समस्या है तो वो सवाल उठा सकते हैं। किसी ने भी कोई ये नहीं कहा है कि आपने गलत किया है। हाँ, हमने जो रीना कुमारी का बयान दिखाया है वो दूसरा बयान है, उससे पहले जब सीधा हमने उनसे सवाल पूछा था कि ये बताइए कि जिस तरह से लेटर लिखा गया उसे कितना सही कहा जा सकता है, तो रीना कुमारी ने साफ तौर पर कहा था कि जो भाषा का इस्तेमाल किया गया वो बिल्कुल सही नहीं है कि आप आईपीएस ऑफिसर को वहां से हटा दें। हाँ, मुख्यमंत्री को पत्र लिख सकते हैं, ये उनका अधिकार है, लेकिन भाषा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हालांकि श्रवण कुमार वरिष्ठ नेता हैं, जेडीयू के वरिष्ठ मंत्री हैं, पूरे मामले पर कह सकते हैं एक तरह से पर्दा डालने के लिए, कहीं विवाद बात का बतंगड़ न बने, इसके लिए वो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जरूर किए हैं कि श्रवण कुमार की तरफ से हुआ है कि अगर कोई पत्र लिखता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, सरकार विचार लेकिन करें। जब ऐसे खत सामने आते हैं खुद सरकार में, जो क्योंकि गठजोड़ की सरकार वहां पर है, गठबंधन की सरकार वहां पर है, और ऐसे में बीजेपी ये सवाल पूछती है तो फिर तमाम सवाल भी खड़े हो जाते हैं।